उनको दावत सफल देता हूँ। जस जसवंत सिंह उमर सवार चंडीगढ़, आप हजरात के सामने थोड़ी देर बयान कर। चाहे गीता के श्लोक हो या कुरान की आयतें, वही बाइबल में है और गोदन साहब में भी वही बातें, शाही वही पन्ने वही, सिर्फ अल्फाजों का हेर फेर, या यूं गुरु साहब की अल्फाज भी वही लोगों की समझ का हेर फेर जो इसको जुदा बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं, वरना सब एक ही है। नफरत फैलाने वाले लोग इतिहास के एक या दो पन्ने उठाते हैं, लेकिन सांझी वार्ता के, एकता के अनेक पन्ने जो अनगिनत हैं उसको छोड़ देते हैं। नफरत के लिए फैलाने के लिए एक पन्ना इतिहास में लिखा गया औरंगजेब के वक्त का, जिसमें लिखा गया कि सिखों पर या हिंदुओं पर जुल्म हुए, लेकिन उसके साथ साथ ही अनेक पन्ने एकता के भी लिखे गए जो सूफियों के साथ मुतल्लिक रखते हैं। औरंगजेब बादशाह था, बादशाह किसी एक धर्म का नहीं होता, बादशाह हर धर्म का है, बादशाह हिंदुओं का भी बादशाह है, मुसलमानों का भी और सिखों का भी। औरंगजेब ने अपने सगे संबंधी नहीं छोड़े थे, तो दूसरे धर्म के बात करें तो उसमें कुछ ऐसा नहीं आता कि भाई हम मान, अगर देखें कि अगर दूसरों पर जुल्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके साथ साथ बाबा बुद्धू शाह, बाबा फरीद, साई मेरा भी, ये बुजुर्ग भी हुए हैं जिन्होंने एकता की बात की है। बाबा बुद्धू शाह ने अपना परिवार निछावर किया हमारे गुरु साहिबान की रक्षा के लिए, शहादतें दी। हम इस पन्ने को मत भूलें, इस पन्ने को भी याद रखें। बाबा फरीद की बानी हर बार मैं यहाँ गाकर कहता हूँ कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, कुछ एकता की बात थी तभी दर्ज है। हिंदुस्तान के 99% मुसलमान सुन्नत जमात के साथ मुतल्लक रखते हैं और किसी न किसी सूफी के मरीज हैं, और सूफियों की सांझ एकता हमारे धर्म में हमारे गुरुओं के साथ रही है। बाबा नानक के साथ भाई मर्दाना हमेशा साथ रहे, हर जगह गए, और एक ही सांझी वार्ता का उद्देश्य बाबा नानक ने भी दिया। बाबा नानक ने जीते जी किसी भी धर्म का होना गवारा नहीं किया, और अपने पर्दा करने के बाद भी उन्होंने यही संदेश पूरी दुनिया को दिया है। उनका शरीर नहीं मिला था, दो फूल और एक कफन मिले थे, आधा कफन और एक फूल मुसलमान ले गए और आधा कफन और एक फूल हिंदू ले गए। आज भी करतारपुर में एक तरफ बाबा नानक की मजार और दूसरी तरफ समाज है, लोग मजार पर जाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, समाज पर देख कड़ा प्रसाद जो होता है वो लेकर जाते हैं, मन्नतें पूरी होती है लोगों की मजार पर भी, समाज पर भी कुछ मिलता है। आज की दुनिया में तभी कोई कहीं कुछ लेकर जाता है, नहीं तो व्रत में कोई कुछ कह नहीं जाता। बगदाद में हजरत बहलोल दादा रहमतुल्लाह ताला की दरगाह पे एक हुजरा है, उस हुजरे में लिखा है स्पष्ट कि ये हुजरा शेख ए हिंदी बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह का है। वहां पर उनका जानवास जब बैठते हुए बंदगी करते थे आज भी महफूज है, उनका लोटा वो आज भी महफूज है, चंद पन्ने लिखे हुए उनके बाकायदा महफूज है। यहाँ एकता है, इस पन्ने को क्यों भूल जाते हैं लोग, क्यों एक ही पन्ने के पीछे बार बार पड़े हैं। उस वक्त के मुशायके इराक, उस वक्त के इराक के पीरों ने बाबा नानक के ज्ञान को तस्लीम किया, बाबा नानक को तस्लीम किया, और उनको दस्तार भेंट की गई जो इस्लाम धर्म में सबसे बड़ी रिवायत मानी गई है। और बाबा नानक ने ना केवल उस दस्तार को कभी कबूल किया पर अपने सिलसिले में भी प्रमाण किया, ये हमारी और मुसलमानों के दस्तार की मिसाल है, ये सहानुभूति है। कहा कहेंगे यहाँ एकता नहीं है, यहाँ एकता है। हमारे सबसे बड़े पूजनीय स्थल हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल गुरु रामदास जी की नगरी अमृतसर में स्थित है, उसका नीम पत्थर एक मुसलमान ने रखा है साईं मियां मीर ने। यहाँ एकता है, लोग कहते हैं यहाँ एकता नहीं है, इससे बढ़कर एकता की क्या मिसाल दी जा सकती है। और हर बार की तरह चंद पंक्तियां जो मैं बाबा फखरुद्दीन साहब के बारे में सुनता हूँ या कहीं लिखता हूँ या संजोड़ के रखता हूँ वो अर्ज करना चाहूंगा। दुनिया से हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए,
गए, हम दुनिया से हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि सब आंसू दूर हो गए। दुनिया से हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि सब आंसू दूर हो गए। हम कांच थे, दुनिया ने हमको फेंक दिया, हम कांच थे, दुनिया ने हमको फेंक दिया, लेकिन बाबा फखरुद्दीन साहब के चरणों में गिरे तो कोई नूर हो गए। किस्मत पे नाज है तो वजह तेरी रहमत, किस्मत पे जो मुझे नाज है तो वजह तेरी रहमत है, खुशियां जो मेरे पास है तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने जो मेरे पास है तो वजह तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब क्यों ना करूं साहेब, मैं तुझसे मोहब्बत की तलब क्यों ना करूं साहेब, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। एक इतिहास का एक पन्ना छूट गया था, वो भी बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को पता होगा या कुछ नहीं पता होगा। मुझे स्थान पे जाने का मौका मिला, पटियाला में गड़ाम गांव है, वहाँ मीरा भीक्षा का स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे दसवें गुरु का जब जन्म हुआ था तो पहली बशारत गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की साई मीरा भीक उनको हुई थी सपने में कि किसी दरवेश ने जन्म लिया है, और उन्होंने गाँव में ढिंडोरा पीटा था कि एक जन्म हुआ है और दरवेश का जन्म हुआ है। तो यहाँ भी एक एकता की बात है, साई मीरा भीक ने भी मुसलमान होने के साथ साथ बशारत सिख की ली थी। तो यहाँ इस मंच से हर बार की तरह आपको शत शत नमन है दरबार साहब, क्योंकि आपने ये मुहिम को चलाया ही नहीं, हर साल भी बरकरार रखा है कॉन्टिन्यूटी, तो और हमें आने का मौका मिलता है उसने मिलता है आपसे। और इस बार हम लोग हरमंदर साहब की गोल्डन टेम्पल की एक फोटो और शोभा आपको भेंट करना अपनी कौम की तरफ से, तो वो उसके लिए इजाजत चाहूँगा। Just to see the kick out chain.